हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं थूजा ऑइंटमेंट यानी कि थूजा क्रीम के बारे में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, अगर आपको वार्ट्स की परेशानी है यानी कि मस्से की परेशानी है तो दोस्तों थूजा ऑइंटमेंट उस पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी थूजा ऑइंटमेंट के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में, कितने ग्राम में आता है, इसका इंडिकेशन क्या क्या होता है, वार्ट्स के अलावा आप इसको किन किन परेशानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं थूजा ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको SBL ब्रांड की थूजा ऑइंटमेंट के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, इस तरीके का थूजा ऑइंटमेंट आता है SBL ब्रांड का, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है। इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 56 रुपीज़ का होता है सिर्फ, और ये 25 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। और इसके अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें थूजा ऑक्सीडेंटालिस का मदर टिंचर 10% में ऐड किया गया है, जो कि क्रीम बेस में होता है, बहुत ही ईजी टू अप्लाई होता है और नॉन स्टिकी होता है। इंडिकेशन की हम बात करें तो अगर आपको वॉट्स की परेशानी है यानी कि मस्से की परेशानी है, चाहे आपके चेहरे पे मस्से हों, हाथों में मस्से हों, चाहे वो गर्दन पे, पैर में, बॉडी में, कहीं भी मस्से की परेशानी हो, तो उस पर बहुत ही अच्छे से ये काम करती है। चाहे आपके मस्से फ्लैट हों, चाहे उभरे हुए से हों, पॉइंटेड हो, ब्लीडिंग उसमें होती हो, उसमें पेन होता हो, तो थूजा उस पर बहुत ही अच्छे से काम करती है। दोस्तों, जो वॉर्ड्स होते हैं ये एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उभरी हुई सी संरचना हो जाती है जो हमारी बॉडी में कहीं भी हो जाती है, चाहे वो गर्दन पे, चेहरे पे, हाथ में, पैरों में, इवन जेनाइटल्स में भी वॉर्ड्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वॉर्ड्स की परेशानी है तो थूजा उस पर बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको चेहरे पे तिल की परेशानी है, मोल्स की परेशानी है, तो उस पर भी थूजा बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको पॉलिप्स की परेशानी है, ट्यूबरकल्स की परेशानी है, तो उस पर भी थूजा बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपके पैरों में कॉर्न की परेशानी है, जैसे कॉर्न जो तलवों में हो जाते हैं, उसमें वो जो कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ही ज़्यादा चलने में पेन होता है, तो दोस्तों अगर आपको कॉर्न की परेशानी तो थूजा उस पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, चाहे आपको वॉर्ड्स की परेशानी हो, चाहे आपको तिल की परेशानी हो, कॉर्न की, पॉलिप्स की, ट्यूबरकल्स की, तो दोस्तों इन सारे कंडीशन में थूजा बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं थूजा ऑइंटमेंट को हमको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको थूजा ऑइंटमेंट को दिन में 2 से 3 बार अफेक्टेड एरिया में, यानी कि जहाँ पे आपको वॉर्ड्स हैं, तो आपको वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। आपको 2 से 3 महीने तक अप्लाई करना है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपके जो वॉर्ड्स हैं वो झड़ने लग जाएंगे। साथ में अगर आपको कॉर्न की परेशानी है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। चेहरे के मोल्स पे भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप थूजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।